डियर स्टूडेंट, आपको ये बुक दिख रही होगी और मैं इसमें आपको कुछ बुक के माध्यम से बताना चाहूंगा, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं आपको बुक के माध्यम से बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। आप इस बुक में देखिए लिखा क्या है। बुक में लिखा है कि मनुष्य में सूक्ष्म वगैरह होने वाले रोग, पेज नंबर 24 पे है ये। आप इसको अपने घर पे देख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि देखिए पहला है क्षय रोग। क्षय रोग किससे होता है? तो क्षय रोग जीवाणु से होता है। कैसे फैलता है? तो हवा से फैलता है, ठीक है। कैसे बचाव करेंगे? बचाव का तरीका है रोगी व्यक्ति को पूरी तरीके से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी व्यक्ति गत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण, यह रोग पूरा अलग करना। दूसरा है खसरा। खसरा किससे होता है? वायरस से होता है। कैसे फैलता है? वायु से फैलता है। इधर आपको पता है रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी व्यक्ति के व्यक्ति को सुरक्षा को अलग रखना। अब देखिए चिकन पॉक्स यानी छोटी माता जिसे कहते हैं, वायरस होता है, वायु का सीधे संपर्क फैलता है, उसके लिए वही विधि है। पोलियो किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। पोलियो वायु और जल से फैलता है, वही तरीका है पहला जो मैंने बताया। अब बात करते हैं हैजा। हैजा जीवाणु से फैलता है जल और भोजन के माध्यम। दूषित जल खाएंगे, दूषित पानी पिएंगे, आपका हैजा हो जाएगा। करना क्या? व्यक्ति का स्वच्छता, अच्छी आदतें, पक्के अच्छे भोजन करें, बासी भोजन ना करें। टाइफाइड जीवाणु से होता है, जल के कारण होता है। स्वच्छ पानी पीजिए, पूरी तरीके स्वच्छता रखिए। अब हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं, वायरस होता है, जल से होता है। वायरस होता है, कारक क्या है? जल है, पानी गंदा पीने से होता है। उबले हुए पानी का प्रयोग कीजिए। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, एक प्रकार का परजीवी होता है। अब किससे फैलता है? तो ये मच्छर से फैलता है। मच्छर डालने का प्रयोग करें, मच्छर भराने के उपायों को तरीकों को अपनाएं। इसके साथ साथ आप मच्छर डालने का प्रयोग कर सकते हैं। आपके आसपास स्वच्छता रखिए, गड्ढे पानी होने से बचिए, गड्ढे में पानी ना भरने पाए। जो बर्तन वगैरह उसको ढककर रखिए ताकि मच्छर ना पैदा होने पाए। इन सब तरीकों से भी रोगों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं जंतुओं में रोग कारक जीवाणुओं की। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु कौन कौन से है? आपका क्या है टॉपिक है? कक्षा 8 का विधि और एक जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अब देखिए जंतुओं में कौन कौन से रोग कारक जीवाणु है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जंतुओं में कौन कौन से रोग होते हैं ध्यान दीजिए। जैसे मनुष्यों में रोग होता है उसी प्रकार से पौधों में भी रोग होता है। जिस प्रकार से जंतुओं में रोग होता है उसी प्रकार से पौधों में भी रोग होता है। पौधों में रोग कारक जीवाणु की बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं। एंथ्रेक्स नाम का एक रोग होता है जो मनुष्य और जंतुओं दोनों में होता है, मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग। मवेशी यानी पशु, गाय भैंस में होने वाला भयानक रोग है। इसके अलावा एंथ्रेक्स किससे होता है? तो एंथ्रेक्स जीवाणु से होता है। किससे होता है डियर स्टूडेंट? तो एंथ्रेक्स रोग जो है वो जीवाणु से फैलता है। इसके अलावा आपने गाय के खुर में और मुंह का रोग का वायरस बारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह के रोग का वायरस बारा होता है। गाय का खुर देखते हो कहीं कट जाता है, ध्यान दिया होगा। चलिए पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं? अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं चावल आलू गन्ना संतरा सेब इत्यादि पौधों के लिए रोग कारक जीवों का काम करते हैं, यानी इन पौधों में भी रोग फैलाते हैं। इससे क्या होता है? फसल का प्रोडक्शन कम होता है। फसल का उत्पादन क्या होता है? कम होता है। देखिए जैसे नींबू, नींबू कैंकर नाम का रोग होता है। नींबू कैंकर, नींबू के पौधे में नींबू कैंकर होता है। देखा नींबू पत्ते विच्छेद हो जाता है, नींबू ब्लैक व्हाइट हो जाता है। ये किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। नींबू कैंकर जीवाणु से होता है। फैलता कैसे? वायु से फैलता है। नींबू कैंकर किससे होता है? जीवाणु से होता है। फैलता कैसे? वायु से फैलता है। गेहूं निराश आप देख रहे हो, गेहूं में भी रोग लग जाता है। कवक से होता है।
पीले रंग की लेते हैं, भिंडी के पी पीले रंग की भिंडी हो जाती है, भिंडी कलर बदल जाता है, एक इससे होता है वायरस होता है। फैलाता कौन है, प्रकार के कीट होते हैं जो इन रोगों को फैलाने में मदद करते हैं। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक हमारा खाद विषाक्तन, अगला टॉपिक क्या है खाद विषाक्तन। डियर स्टूडेंट खाद विषाक्तन क्या है, तो यहाँ पर एक लड़का है जो ने एक मित्र ने उसे पार्टी में आमंत्रित किया, यानी आपके पार्टी में जाते बर्थडे वगैरह में, तो ऐसे ही मुझे एक मित्र ने उसको आमंत्रित किया कि आओ, तो उसने वहां पर ढेर सारा पकवान खा लिया, कुछ ना कुछ खा लिया, उसके बाद उसको उल्टी होने लगी। जब उसको उल्टी होने लगी तो उसकी मम्मी उसको ले गए अस्पताल में, डॉक्टर ने कहा कि यह खाद विषाक्तन के कारण है। खाद विषाक्तन का मतलब होता है कि खराब खाना खाने के कारण इसको हो गया है। बहुत दिनों से पेड़ा वगैरह दो दो महीने में रहा होगा तो खा लिया, इससे उसको उल्टी होने लगी। अब बात करते हैं खाद विषाक्तन क्या होता है। खाद विषाक्तन सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन का खराब होना ही खाद विषाक्तन कहलाता है। खाद विषाक्तन क्या है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद विषाक्तन होता है। हमारे भोजन उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिससे भोजन क्या होता है खराब होता है। आप देखते हैं कभी कभी गर्मियों के समय में भोजन को कुछ देर तक या कुछ घंटों तक रख दिया जाए, उसमें खट्टेपन का स्वाद आने लगता है, इसका मतलब क्या होता है भोजन क्या है बासी हो गया है, खराब हो गया है, बाकी लग रहा है, तो आप उसको नहीं, अगर उसको आप खा लेंगे तो आपको उल्टी वगैरह होने लगेगी। ये क्या है खाद विषाक्तन। और देखिए कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, यानी इससे हमें क्या करना है बचते रहना है भाई, बड़ा खतरनाक है। तो चलिए अब हम खाद विषाक्तन को रोकने के कुछ उपाय देखते हैं, कैसे हम खाद परिरक्षण कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे हम खाद परिरक्षण कर सकते हैं। परिरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रखना। खाद परिरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो सुरक्षित रखने का तरीका है। चलिए अध्याय एक में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण और भंडारण के विषय में पढ़ा था। अब कभी भोजन का घर में परिरक्षण कैसे करें, यानी हमने भोजन जो पकाया उसको कैसे सुरक्षित रखे, भाई सुरक्षित रहे, ज्यादा समय तक उसको खा सके। खुले अंदर मसाला रखिए, बेल्ट और कवर आकर रखें, अगर आप खुले में रख देंगे उसमें जीवाणु पड़ेंगे, भोजन खराब है। भोजन क्या करना है, पहली बात तो ढक के रखना है, पहले में कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह आम नहीं खा सकी, उसने देखा कि उसका आम क्या हुआ खराब हो गया है, लेकिन पहले अपनी दादी से कह रही है ये दादी तुमने जो अचार बनाया वो इतने दिन तक खराब नहीं हुआ, मैंने अभी अभी आम लाया खराब हो गया, क्यों खराब हो गया। पहले की दादी कह रही है कि मैंने जो है आम को किसी तरीके से सुरक्षित किया है। तो चलिए अब हम कैसे सूक्ष्म जीवों से बचने के उपाय देखेंगे। पहला है रासायनिक उपाय, रासायनिक उपाय क्या क्या है, कैसे खाद परीक्षण में रासायनिक उपाय करेंगे। मान लीजिए नमक और खाद्य तेल, नमक एवं खाद्य तेल, नमक और जो खाते हैं वो तेल, वो क्या करते हैं उसमें जीवाणु वृद्धि नहीं करते, यानी उसको कोई भी विषैले पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो अतः हम इन्हें खाद्य परिरक्षक के रूप में जानते हैं, वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकते हैं, खाने को खराब होने से बचाते हैं, उसे हम खाद्य परिरक्षक कहते हैं। इसमें नमक और खाद्य तेल, नमक और खाद्य तेल क्यों, पहले की दादी का अचार क्यों नहीं खराब हुआ, अचार में क्या पड़ता है नमक पड़ता है और तेल पड़ता है, इसीलिए अचार क्या होता है जल्दी खराब नहीं होता है। अचार में नमक करते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम बीटा बायोसल्फाइड, इसके अलावा सोडियम बेंजोएट और सोडियम बीटा बायोसल्फाइड जैसे सामान्य परिरक्षक है जो सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न नहीं होने देते हैं, यानी ये हमारे भोजन को खराब होने से बचाते हैं। ये आपका पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, नमक द्वारा परिरक्षण, नमक द्वारा कैसे परिरक्षण होता है स्टूडेंट, इसके बारे में हम आज जानेंगे। नमक कैसे होता है, देखिए क्या होता है, मांस मछली को आप देखे होंगे जो दुकानदार होता है वो बर्फ के अंदर रखता है
मछली और मांस मछली खराब नहीं होती है। नमक का उपयोग आम आंवला और इमली के परीक्षण के लिए भी होता है। आप इमली में देखेंगे इमली बेच रहा होगा उसमें नमक डाल रहे हैं, उससे क्या होता है इमली खराब नहीं होती है। अब बात करेंगे चीनी द्वारा परीक्षण, चीनी द्वारा कैसे आप परीक्षण करेंगे भोजन का। जैव जेली स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी देखिए मुरब्बा वगैरह बनता है जिसमें चीनी डाली जाती है, मुरब्बा को लंबे समय तक खाते हैं, क्यों खाते हैं उसमें चीनी रहती है और चीनी जीवाणुओं को बढ़ने नहीं देती, जिससे क्या होगा लंबे समय तक खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। अब अगला है तेल और सिरके के बारे में। आप तेल अचार में आपकी अम्मी तेल और सिरका डालती होगी, इससे क्या होता है तेल और सिरका क्या करता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का करते हैं, रोग देते हैं, जैसे सब्जी फल मछली मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा होता है। अगला है गर्म और ठंडा करना, गर्म और ठंडा करना। आप देखते हैं दूध आता है आपके अपनी गर्म रख देती है और उसको इससे क्या होता है दूध में से जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार से अपना भोजन हम करने का होता है कि हम आप खाने को फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है वो खराब नहीं होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए एक पश्चिमी पश्चिमाइजेशन, आपने प्रक्रिया पढ़ी होगी पश्चिमाइजेशन, आप दूध का पैकेट देखिए वो आप पश्चिमाइजेशन ही करते हैं क्यों, तो देखिए डेयरी में जब दूध जाता है तो डेयरी में दूध जाता है तो पाश्चिम दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपका यहाँ दुकान दूध मिलता है उसको उबाले नहीं फिर आप उसको पी सकते, क्यों क्योंकि जब डेयरी में दूध जाता है उसको 70 सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, इस विधि को पाश्चराइजेशन विधि कहते हैं, यानी पहले से गर्म होता है उसमें सारे जीवाणु क्या कहता है मिटा दिया जाता है। इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी, पाश्चराइजेशन विधि की खोज लुई पाश्चर ने की थी और इसलिए इसे पाश्चरीकरण विधि कहते हैं। अब बात करते हैं भंडारण एवं पैकिंग, भंडारण एवं पैकिंग ये क्या है भाई, देखिए आप करते क्या है आजकल मेरे सब्जियां सब इत्यादि की आपकी पैकिंग में आती है और इसको आप पैकेट में लेके ग्रहण करते हैं, तो पैकेट में रखने से आपका ये चीजें खराब नहीं होती है, भंडारण पैकिंग के द्वारा भी खाद परीक्षण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।